13 सितंबर 2023 संपूर्ण भारत का मौसम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या बड़ा अपडेट है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप सभी मौसमी खबरों के साथ, काम की खबरों से अपडेट। किस प्रकार से बना हुआ है मौसमी सिस्टम, सबसे पहले जान लेते हैं। औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर, कोटा, गुना, सतना, अंबिकापुर, बालासोर से होकर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवा के क्षेत्र से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल के पश्चिम मध्य मार्ग तक समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं बनी हुई है। चलते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से, कोंकण, गोवा, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं दक्षिणी असम, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। चलते हैं आने वाले 24-48 घंटों के मौसम की ओर। आने वाले 24-48 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, दक्षिणांतरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, सब हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, रायलसीमा, दक्षिण पूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो यह था मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, और रह सके सभी मौसमी खबरों के साथ, काम की खबरों से अपडेट।